कांग्रेस की सरकार बनने पर होगी पुरानी पेंशन बहाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह बड़ा ऐलान किया है। तो आगामी चुनाव में अगर जनता कांग्रेस के सर पर ताज सजाती है, कांग्रेस को अगर जीत मिलती है इस चुनाव में, तो कांग्रेस ने यह बड़ा ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह बड़ा ऐलान किया, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। पुरानी पेंशन को लेकर यह बड़ा ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से किया गया है। पुरानी पेंशन को कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने भी लागू किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह ऐलान किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अगर आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस को अगर सफलता इसमें मिलती है, जनता अगर एक बार फिर से कांग्रेस को चुनती है, तो कांग्रेस की ओर से ये पहल की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना को एक बार फिर से बहाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया। कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने ये बात कही है। बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया है। तो भोपाल की खबर जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है। मीडिया सेल उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप, एक बड़ा ऐलान यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। भी वादे और वचन किए हैं उनको निभाने की दिशा में सबसे सक्रियता से उन्होंने काम किया है। कमलनाथ जी ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा उन्होंने माफ किया। उन्होंने जो है करोड़ों हितग्राहियों को उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दुगनी की। 1 करोड़ हितग्राहियों को उन्होंने जो है 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। 1000 गौशालाएं उन्होंने 15 महीने के छोटे से कार्यकाल में बनवाई। आज भारत में जितनी कांग्रेस की सरकारें हैं, सभी सरकारें घोषणा कर चुकी हैं पुरानी पेंशन को बहाल करने की, और कमलनाथ जी की सरकार लौटेगी 2023 में तो ये पेंशन पुरानी इसकी बहाली हमारी सरकार भी करेगी। ये कमलनाथ जी का वादा है, पूरी कांग्रेस पार्टी इस वादे के पीछे और उनके संकल्प के पीछे खड़ी है और इसको लागू करवाएंगी। जी, क्या लगता है जिस प्रकार से आगामी चुनाव है, बीजेपी भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि दोबारा जीत वो हासिल करे, कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, ऐसे में चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से क्या जनता को रिझाने की कोशिश? नहीं, हमने जनता के कल्याण के सारे कार्यक्रम हमेशा जो है आगे बढ़ के किए हैं, इसमें रिझाने की कोई बात नहीं है। ये जनता की जरूरत है। आज जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो है इस पेंशन को रोका था, उसके बाद जो है मोदी जी ने आगे बढ़ के जो है पेंशन और ईपीएफ का पैसा जो है शेयर बाजार और सट्टे मार्केट में लगा दिया बिना लोगों से पूछे। आज जो है करोड़ों रुपए के नुकसान में जो कर्मचारी हुआ है उसकी सुरक्षा भी समाप्त हो गई है, वो आज समय की जरूरत है। जिस तरह की परिस्थितियां देश में बन रही है, आर्थिक स्थिति जिस तरह से जो है समाप्त हो रही है, उसमें अगर जो है सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो जिएगा कैसे? तो हमारा वादा है और उस वादे को हम पूरा करेंगे। जन कल्याण का इस प्राथमिक तो एक उद्देश्य है सरकार का। तो वर्तमान हालात बेहद ज्यादा खराब है, तो इसी क्रम को और इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये बड़ा ऐलान तो किया गया है। क्या लगता है, क्या आगे और भी इस प्रकार के कोई बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती है, ऐसी कोई उम्मीद? बिल्कुल, हम 100 रुपए की 100 यूनिट बिजली भी देंगे। हमारी सरकार के जो जो वचन रह गए हैं वो पूरे हम करेंगे। हम जो है जिन किसानों का कर्ज माफी होने से आदेश होने के बावजूद इस सरकार ने पूरा नहीं किया, उनकी भी पूर्ति हमारी सरकार करेगी। जो कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी एक एक वादे पर खरे उतरेंगे। चलिए, तो कमलनाथ जी एक एक वादे पर खड़े उतरेंगे, ये दावा है कांग्रेस का। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मीडिया जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने ये तमाम प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। पुरानी पेंशन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने भी लागू किया पुरानी पेंशन योजना, ये बात कही गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। ये एक बड़ी बात, एक बड़ा ऐलान कमलनाथ ने किया है। कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिरकत की, इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, ये बात उनकी ओर से कही गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो यहां आपको बता दें कि बड़ी घोषणा, बड़ी बात कांग्रेस की ओर से की गई है पुरानी पेंशन को लेकर।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सीधे साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव में अगर जनता कांग्रेस को चुनती है, कांग्रेस के सर पर ताज सजाती है, अगर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती है तो निश्चित तौर पर इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो घोषणा यहाँ कमलनाथ की ओर से की गई है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ ने ये जो घोषणा की है इसे बहाल किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना एक बार फिर से बहाल की जाएगी, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहां पर कही है। तो कांग्रेस की सरकार बनने पर होगी पुरानी पेंशन बहाल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह बड़ा ऐलान किया है। पुरानी पेंशन को लेकर उन्होंने यह ऐलान किया, पुरानी पेंशन को कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने भी लागू किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह ऐलान किया। तो कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन कार्यक्रम में वे शामिल हुए थे और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। चलिए इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप, कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक बड़ा ऐलान यहां पर किया है पुरानी पेंशन योजना को लेकर, क्या कहेगी बीजेपी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार फिर से बनानी होने लौट करके आना, इस मंसूबे की पूर्ति के लिए वो चांद तारे तोड़कर लाने की भी बातें करने लगेंगे। पहले भी उन्होंने कहा था कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ करेंगे, पर वो कर नहीं पाए, इसलिए इनकी बात विश्वसनीय नहीं है। हमने एक कहानी पढ़ी है कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ बताता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो ये कमलनाथ जी बड़ी बड़ी बातें करके और कर्मचारी तबके को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं, तो यह एक कोरा आश्वासन है, ये कतई भरोसेमंद घोषणा नहीं है। अगर आप इसे मान रहे हैं कि वो शिकारी आते हैं, जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता को कहीं ना कहीं तो ये चाहिए। तो बीजेपी क्यों इस पर ध्यान नहीं दे पा रही, या बीजेपी क्यों इस मामले पर इम्प्लीमेंट कुछ कर नहीं पा रही? फिर भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी हितैषी सरकार के तौर पर जानी जाती है, कर्मचारियों के हित में जो भी निर्णय होगा वो उचित निर्णय हमने अनेक अवसरों पर किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और सरकार ने ऐसा संकेत भी दिया है कि कर्मचारियों के हित में यदि पेंशन में सुधार की कोई गुंजाइश है, उसके प्रोसेस में कोई सुधार की गुंजाइश है, उस पर सरकार विचार करेगी। क्योंकि अभी हमने डीए बढ़ा करके दिया है, तमाम सारे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि हुई है। तो शर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता कि आगामी चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है, कहीं ना कहीं इस घोषणा का, इस ऐलान का थोड़ा कुछ फायदा उन्हें मिल सकता है, जनता हो सकता है रिट सकती है, कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आ सकते हैं? नहीं, ये कहना जल्दबाजी है। सभी राजनीतिक दल अपनी ओर से बेहतर परफॉर्मेंस पाने के लिए ऐसी घोषणाएं करते हैं जिससे जनता का ध्यान आकर्षण हो, पर ये जनता के पाले में है गेम, वो कितना विश्वसनीय मानते हैं और ये उस पर डिपेंड करता। आपने कई राज्यों में देखा होगा कि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने घोषणा की कि हम बच्चियों को स्कूटी देंगे, लड़कों को भी मोटरसाइकिल देंगे, वेतन भत्ता देंगे। ये श्रीमान कमलनाथ जी ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को हम हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, और सरकार में आने के बाद इनकी घोषणा हवा हो गई, वो बेरोजगारी का मुंह ताकते रह गए। तो अभी यह सब कहना जल्दबाजी। लेकिन जो दो राज्य है जहां पर कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये दो ऐसे राज्य है जहां पर ये योजना लागू करने के लिए बात तो कह दी गई है, मुख्यमंत्रियों के द्वारा ऐलान भी कर दिया गया है। यही बात फिर मध्य प्रदेश के लिए भी हो रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी ओर से ये यहां पर लागू किया जाएगा एक बार फिर से। ये कमलनाथ जी और कांग्रेस का विषय है, पड़ोसी राज्यों ने इस प्रकार की घोषणा की है, उनके वित्तीय हालात क्या थे, क्या परिस्थितियां थी, कमलनाथ जी अगर उनको कॉपी कर रहे हैं तो ये उनका विषय है। अभी इस पर प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी है, क्योंकि जनता ये विश्वास करेगी, जनता अगर ये मानेगी कि सरकार में आ सकते हैं तो इनकी तमाम घोषणाओं का उन पर असर होगा, और जनता ये मानेगी कि सरकार में आते नहीं दिख रहे हैं इसलिए कुछ तो भी लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, तो उस पर कई बार जनता वोट भी नहीं करती है, उनकी घोषणाओं को उतना गंभीरता से नहीं लेती है। इसलिए अभी ये तो विचारणीय विषय है, अभी जल्दबाजी में कोई आकलन नहीं किया जा सकता है।
चलिए, तो लोक लुभावन वादे यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी ही, ये कहना है। यहाँ पर हमारे साथ में धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़े हुए थे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।